हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोण मिति के बारे में। आज हम आपको बहुत इजी और बेहतरीन तरीके से बताएंगे इस चैप्टर से, यानी हर एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या वह कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, इस चैप्टर से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। तो ये जो है त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब होता है तीन, और गुणो का मतलब होता है भुजा, और ये मेट्री का मतलब होता है माप। यानी इस चैप्टर में जो है, पूरे चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति चैप्टर में जो होगा तीन भुजाओं का ही अध्ययन यानी हम लोग करेंगे, उसको ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलते हैं, जानते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है। समकोण त्रिभुज के भुजाओं के माप को ही समकोण त्रिभुज के भुजाओं के माप को ही त्रिकोण मिति कहा जाता है। या भी आप लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं के अध्ययन को ही त्रिकोण मिति कहते हैं। यानी आप ये जान गए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं के अध्ययन को ही त्रिकोण मिति कहते हैं। उसके बाद चलते हैं, इस त्रिकोणमिति के बाद आता है त्रिकोणमितीय फलन। तो ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, यानी इस माप के लिए, यानी समकोण त्रिभुज के माप के लिए दो न्यूनकोण भुजाओं के संबंध के अनुपात को प्रयोग करते हैं, उसे त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। यानी पहले इसका हम परिभाषा लिख ले, यानी इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों न्यूनकोणों के संबंध या अनुपात के प्रयोग को ही त्रि
कोण मितीय फलन कहते हैं। यानी इस माप के लिए, यानी समकोण त्रिभुज के माप के लिए, हमने अभी बताया इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दो न्यूनकोणों के संबंध या अनुपात के प्रयोग को ही त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। तो जानेंगे कि कैसे इसको त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, फिगर के अनुसार देखेंगे और फिगर पर समझते हैं। तो चलते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। बहुत आपको बहुत बेहतरीन से इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम बताएंगे, ताकि आपको समझने बहुत बेहतरीन ढंग से आए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको इस चैप्टर को समझ में आएगा। रूज किसे कहते हैं, यानी एक परिरेखा और इस पर डाला गया लंब, एक परिरेखा और इस रेखा पर एक डाला गया लंब, जहां दोनों भुजा मिलता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा उसे हम समकोण त्रिभुज का कहेंगे। तो हमने अभी देखा कि यह जो है यह समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को हम इंडिकेट कर देते हैं, ए बी सी दर्शा देते हैं। और अभी ने हमने बताया कि इस समकोण के ये दो न्यूनकोण हुए। तो न्यूनकोण यानी न्यूनकोण किसे कहा जाता है, न्यूनकोण जो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यूनकोण कहा जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से दो छोटे कोण होंगे, यानी इसी को हम न्यूनकोण कहेंगे। और क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का जो योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, यानी इस तीन कोण का जब हम योग करेंगे तो वह 180 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन जब यह 90 डिग्री का हो जाएगा तो बाकी दो जो कोण जो होंगे वह 90 डिग्री से छोटा होंगे, यानी ये बाकी शेष दो जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। उसके बाद हम जानते हैं यह जो जहां पर समकोण बनता है उसकी उसके सामने वाली यानी इस भुजा को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं। यानी इससे एच से इंडिकेट किया जाता है, और अगर इस कोण को यानी इस कोण को हम अगर थीटा मान ले, अगर इस कोण को अगर हम थीटा मान ले और इसके सामने वाली जो भुजा जो होती है वह लंब होती है, हिंदी में इसको बोला जाता है लंब और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद इस कोण के सामने वाली जो भुजा जो होती है वह आधार कहलाती है, इसे इंग्लिश में बेस बोला जाता है और बी से इसे इंडिकेट किया जाता है। यानी हमें अभी जाना जहां 90 डिग्री बनता है, यानी जहां 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे, और थीटा के सामने वाली जो भुजा जो होती है वह लंब कहलाती है, और इस कोण के सामने वाली जो भुजा जो होती है वह आधार कहलाती है।
यानी उसके बाद हम जानेंगे कि इस फिगर में हम देखते हैं इसके बाद यानी यह जो होगा 90 डिग्री क्या होगा, इसका नाम लगता है ए बी सी त्रिभुज का। और हमने यह भी बताया कि जहां 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और एक बात और जानेंगे कि ये जो लंब जो होता है लंब और आधार, यानी जब इसको हम यहां अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली यह भुजा जो हो जाएगी लंब हो जाएगी और इसके सामने वाली यानी कुंसी के सामने वाली जो भुजा जो होगी वह आधार होगी, यानी इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और कर्ण जो होता है वह कभी वह चेंज नहीं होता है, वह कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में वह सबसे बड़ी भुजा होती है। उसके बाद यानी ये थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और कोसिस के सामने वाली भुजा को आधार कहेंगे। लंब और आधार ये दोनों जो होते हैं आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो होता है वह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है यानी चेंज नहीं होता है। यानी हम जान गए कि यानी लंब और आधार कभी चेंज नहीं होता, कभी जो होता है यह चेंज होता रहता है और कर्ण जो होता है कभी चेंज नहीं होता है। तो उसके बाद जानेंगे कि बहुत बेहतरीन यह वीडियो होने वाली है, ताकि बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है और बच्चों को यहीं पर डिफिकल्ट होता रहता है, ताकि बच्चे जो होते हैं आसानी से नहीं समझ पाते हैं। आज हम उनको समझाने का बहुत प्रयास करेंगे ताकि इस वीडियो के देखने के बाद उनको मिति समझ में आ जाए। तो चलते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह कौन कौन होते हैं। इसको कर्ण बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, इसे इंग्लिश में बी से इंडिकेट किया जाता है, इसे एच से इंडिकेट किया जाता है, इसे पी से इंडिकेट किया जाता है। तो इस समकोण त्रिभुज में अन्य यानी किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा में अन्य दो भुजाओं से अन्य दो भुजाओं से भाग देने पर दो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी प्राप्त होगा। तो देखते हैं कैसे, यानी इसमें अगर हम लंब में यानी दो अन्य भुजाओं से भाग देंगे तो ई हो जाएगा पी बटा बी हो जाएगा और एक हो जाएगा पी बटा एच हो जाएगा, यानी एक लंब बटा आधार हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका लंब बटा ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। हमने अभी बताया कि किसी एक भुजा में अन्य दो भुजाओं से भाग देने पर दो त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त होंगे। तो ये दो त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त हो गए। अब अगला देखते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन छह होते हैं तो दो तो प्राप्त हो गए और दो कौन और चार कौन कौन होते हैं। यानी अगर हम कर्ण में इस दो भुजा से अगर हम भाग दे देंगे यानी तो हो जाएगा एच बटा पी और एक हो जाएगा एच बटा बी, यानी हम कह सकते हैं कर्ण बटा लंब
और ये हो जाएगा कर्म बटा आधार। और उसके बाद अगर हमने P और H में भाग दे दिया, बचा B, B में इस दो भुजा से अगर हम भाग दे देंगे तो बच जाएगा आपका B बाई P और B बटा H, यानी आपका आधार बटा लंब और आधार बटा कर्म। ये आपने अभी देखा कि ये दो दो चार और दो हो गया छः, छः जो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। और इसी का ये जो छः त्रिकोणमितीय जो है इसी को हम लंब, ये हो गया लंब बटा आधार और ये होगा आपका लंब बटा कर्ण और ये हुआ कर्ण बटा लंब, ये हुआ कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण हो गया। ये छेद तो प्राप्त हो गए। उसके बाद हम जानेंगे कि साइन कॉस टेन से कॉस और कोसेक और आपका एक कॉट होता है, ये जो है ये छेद त्रिकोणमितीय जो है ये कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। यानी ये छ जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह आपको, यानी जो होता है फलन जो होता है वह आपको हम बताते हैं। पहला होता है साइन कॉस और ये होता है टेन। अब ये हो जाएगा इसके नीचे लिखेंगे कॉस से, इसके नीचे लिखेंगे से और इसके नीचे लिखेंगे कॉट। दो दो चार और दो छ, ये छ त्रिकोणमितीय फलन हो गए। तो इससे हम जानेंगे कि किस क्या कहा जाता है, कैसे ये जो है याद हम करते हैं। ये सब पर हम थीटा लगा देंगे क्योंकि थीटा जो होता है कोण के मान को इंडिकेट करता है, तो सब में हम थीटा लगा देंगे। सब में क्या करेंगे थीटा लगा देंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इसमें हम क्या करेंगे उसके बाद इन सभी के बीच में बटा लगा देंगे, यानी बटा हम लगा देंगे इन सभी के बीच। उसके बाद इसको याद करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। क्योंकि एक चीज और हम जानेंगे, अगर हमको यानी कोई चीज अगर याद नहीं होता है तो उसके कोई एक आसान भाषा में जो होता है उसको समझकर याद करते हैं। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, यानी लाल एल ए एल के ए, यानी इसे आप पढ़ भी सकते हैं लाल का, क्योंकि रेड जो कलर जो होता है काफी हाइलाइटेड होता है, वह जो होता है काफी हम लोगों को याद या उसको काफी हम लोग उसको पसंद करते हैं। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया लाल का, जो रेड कलर जो होता है काफी याद रहता है, यह जो होगा ऐसा याद हम रखेंगे क्योंकि इसमें अगर हम बीच में अगर ये जो है एक दूसरे से, यानी ये ऊपर नीचे जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी लंब एल से लंब, के से कर्ण,
ए से आधा, के से कम, एल से लम, ए से आधा, यही लम बटा, ये लम बटा कर्म, ये आधार बटा कर्म, ये लम बटा आधार। तो इसको हम जानते हैं कि ये होता कैसे है। पहले इसको हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होता है लम बटा कर्म होता है, यानी ये जो होता है साइन थीटा बराबर लम बटा कर्म होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बाय कर्म होता है, टेन थीटा बराबर लम बटा आधार होता है। अब बचा तीन, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको पलट देंगे, क्योंकि एक दूसरे के यह अपोजिट है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का कॉट होता है। जब इसको भी हम चेंजिंग करेंगे यानी इसको घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे के के ए और एल ए एल हो जाएगा, क्योंकि बाकी को तीन तो हमने याद कर लिया। कैसे कि साइन थीटा बराबर लम बटा कर्म, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्म, टैन थीटा बराबर लम बटा आधार, बाकी तीन बचे यानी कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा ये, क्योंकि इसको हमने पलट दिया नीचे वाले के ऊपर वाले ऊपर में कर दिया और ऊपर वाले के नीचे में कर दिया, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्म बटा लम हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्म बटा आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बाई लम हो जाएगा। यह जो है एक आसान भाषा में याद करने का एक ट्रिक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बुक में तो ऐसे तो लिखा नहीं गया है, बुक में ऐसे लिखा गया है यानी कि पंडित P4 पंडित बद्री प्रसाद, बी से बद्री, पी से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद बोले बोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हर हर बोले, यानी ऐसा भी आप इसको याद कर सकते हैं। यह जो है किताब में दिया गया है, या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी P4 पी से होता है परपेंडिकुलर, यानी ये लंब हो जाएगा, और बी से बेस हो जाएगा यानी आधार हो जाएगा, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, H4 हाइपोटेंस होता है, और हाइपोटेंस का मतलब कर्म होता है, यह H4 हाइपोटेंस होता है यानी कर्म होता है, B4 आपका बेस हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी ऐसे किताब में ऐसा तो दिया गया है। बच्चे जो है यही रट्टा लगाए रहते हैं और उनके दिमाग में यह जो होता है सेट नहीं कर पाता है। तो इसको मैं एक ऐसा चीज है कि ये याद करने वाला तो चीज तो है ही नहीं, इसको जब तक आप समझ में यानी समझ के नहीं पढ़िएगा तब तक यह जो है ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगा। तो यानी साइन थीटा बराबर आप बोल सकते हैं लंब बटा कर्म यानी पी बटा एच, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और वैसा ही इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी एच या नीचे वाली जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी एच एच और बी पी बी पी, यानी ये कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका एच बटा पी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा पी हो जाएगा। यानी आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं कर्म, इसको भी कर्म
इसको भी आधार और इसका भी इसको लंब, इसको आधार और इसको लंब, यानी आपको इतना बात तो समझ में आ गया होगा कि किसको क्या हम पढ़ेंगे। साइन थीटा बराबर यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, या इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉस थीटा बराबर आधार बाई लंब हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ये अपोजिट हैं। हमने छह त्रिकोणमितीय जो फलन है उसके बारे में हमने बता दिया, यानी आपका ये जो है छह फॉर्मूले जो हैं आपको याद हो गया होगा, मैं पूरा आशा करता हूँ। तो चलते हैं उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद छह त्रिकोणमितीय फलन तो आप जान गए, यानी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, हमें अभी बताया कि लंब पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद आया था साइन के बाद कॉस थीटा आया था, हमने बताया था कि कॉस थीटा बराबर आपको क्या होता है, यानी आधार तो बी से बी फोर बेस होता है, बी फोर बेस होता है, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी बी बाई एच, और उसके बाद ये जो है एच को स्मॉल से लिखेंगे, क्योंकि बुक में स्मॉल से ही लिखा गया है, हम लोग इसको सब स्मॉल लिखेंगे, बी बाई एच हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी एच हो जाएगा, एच स्मॉल होगा और यहां पर भी एच जो होगा स्मॉल होगा, यानी ये कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो गया। उसके बाद इसका उल्टा कॉस का सेक होता है, यानी सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमने बताया कि ये जो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। उसके बाद बचता है टैन थीटा, यानी टैन थीटा बराबर हो जाएगा, हमने अभी बताया कि लंब बटा आधार यानी पी बाई बी, पी बाई बी, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस यानी आधार होता है। बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि किसको लंब बोला जाता है, किसको आधार बोला जाता है। उसके बाद आता है इसका अपोजिट टेन का, ये होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा, ये हो जाएगा लंब यानी बी बाई पी हो जाएगा। तो ये आपको पता हो गया कि साइन थीटा बराबर ये लंब बटा कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। उसके बाद जानेंगे ये छह जो है बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यह जो याद होगा तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको बनाने आएगा, नहीं याद होगा तो बनाने नहीं आएगा, इसके बिना नहीं चलने वाला है कोई सवाल। तो चलते हैं अगला जानेंगे इसके बाद क्या होता है।
अब उसके बाद होता है कि साई थीटा इंटू कॉसे थीटा बराबर वन होता है, यानी हर त्रिकोणमितीय फलन को एक दूसरे से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वन के बराबर होगी। उसके बाद होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है। तो हमने अभी देखा कि टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो ये जो है एक दूसरे के अपोजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू वन होता है। वह वैल्यू वन कैसे होगा तो चलते हैं जानते हैं। अगर हम यानी किसी संख्या से यानी दो बटा पाँच ये जो संख्या है यानी इसके अपोजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी पाँच को ऊपर लिखेंगे और दो को नीचे लिखेंगे, यह अपोजिट हो गया। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, यानी फाइव से फाइव कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम छः बटा सात से यानी कि संख्या से यानी ये जो दिया गया संख्या है और इसी के अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी सात बटा छः से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी वैल्यू आपका वन ही आ जाएगा, यानी सेवन से सेवन कट जाएगा, सिक्स से सिक्स कट जाएगा, वन हो जाएगा। अगर हम तीन बटा दो ये जो संख्या है इसके अपोजिट से यानी दो बटा तीन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन से तीन कट जाएगा, दो से दो कट जाएगा, तो ये आगे आपका वन आ जाता है। इसी तरह हम और अगला फॉर्मूला जानेंगे, यानी अब यह होता है कि अगर हमको साइन थीटा बराबर निकालना होगा तो हो जाएगा यानी साइन थीटा बराबर वन बटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हमें कॉस थीटा बराबर निकालना होगा, कॉस थीटा बराबर अगर हम निकालना होगा क्योंकि ये जो है दोनों मल्टीप्लाई में है और इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपका यह हो जाएगा वन बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ये फॉर्मूले को निकाल दिया। अब उसके बाद चलते हैं अगला क्या होता है। अगला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है। अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये गुना में है इक्वल के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये सेक थीटा में हो जाएगा। अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो यानी यह हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा वन बटा ये कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी वन बटा ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब उसके बाद अगला फॉर्मूला को देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या होता है, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन होता है। इसके पहले हमने बताया था अगर हमें टेन थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो टेन थीटा बराबर वन या जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना होगा या और कॉट थीटा बराबर वन बटा टेन थीटा हो जाएगा, वन बटा टेन थीटा क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये अपने तीन तीन छः और तीन नौ फॉर्मूला आपको हमने निकाल कर दिखा दिया, और इसके पहले छः फॉर्मूला निकाल कर दिखाए थे, और इसके बाद जानते हैं और फॉर्मूला क्या क्या होता है। अगला फॉर्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये प्लस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो है आपका प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें और इससे और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यानी अगर हमें कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी रूट अंडर हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर साइन थीटा को निकालना होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद हम जानते हैं उसके बाद क्या होता है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। अगर हमें sec थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो यह कैसे निकलेगा देखते हैं, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, यह जो है माइनस में है इक्वल इधर इक्वल के राइट साइड में आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, यानी वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यह हो जाएगा से थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट यानी इक्वल के राइट साइड में चाहेगा यानी वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो आपने अभी देखा कि मैं कितने आसानी से ये जो है फॉर्मूले को हल कर दे रहे हैं। वैसा ही आप अगर समझ के अगर आप इसको याद करते हैं या इसको लिखते हैं तो आपको काफ़ी दिन तक आपको याद रहेगा। तो चलते हैं अगला फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है इक्वल राइट से जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा हो गया, यह प्लस में है इधर आ जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर आ जाए तो माइनस हो जाएगा। आपने देख लिया मैंने सीधा लिख दिया, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। और उसके बाद अगला जानते हैं अगला क्या होता है। अगला होता है आपका यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका वन होता है। उसके बाद हम जानेंगे यानी कि ये अगर cos स्क्वायर थीटा का अगर हमें वैल्यू निकालना होगा तो ये हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा यानी वन प्लस रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना होगा तो ये माइनस में इधर जाएगा तो राइट साइड में प्लस में हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा या प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। तो देखा मैंने कितनी बेहतरीन ढंग से ये फॉर्मूले को निकाल दिया।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगला फॉर्मूला क्या है। दोस्तों अगला ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमें टैन थीटा निकालना होगा तो ये जो होता है टैन थीटा बराबर ही होता है साइन थीटा और बटा में होता है कॉस थीटा होता है। अगर हमें कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, क्योंकि यह जो है दोनों यह बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये बार बार इसकी आवश्यकता पड़ती है सवाल को सॉल्व करने में। और उसके बाद हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों अगला फॉर्मूला यह होता है पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। हमने इसके पहले आपको बताया था कि हाइपोटेन्स परपेंडिकुलर और बेस ये जो है इनका यह नाम है, यानी समकोण त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर जो होता है वह कर्ण होता है। यानी इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर जो होगा वह कर्ण की भुजा होगा। कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, अन्य दो भुजा जो होती है वह कर्ण की भुजा से बहुत छोटी होती है। तो चलते हैं अगला हम देखते हैं। अगर लंब स्क्वायर अगर निकालना होगा तो आप यहीं से यानी एक फॉर्मूले को याद करके आप तीन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा एच स्क्वायर में से अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यानी बी माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर आधार स्क्वायर निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस में है ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो आपने अभी देखा कि ये तीन फॉर्मूले जो है एक दो ये तीन फॉर्मूले हो गए, आपको याद हो गया होगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि अगर हमको खाली कर्ण निकालना है यानी कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर हो जाएगा आपको ये जो स्क्वायर हटेगा इसी पर रूट चढ़ जाएगा, यानी रूट अंडर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। अगर हमें लंब निकालना होगा तो हो जाएगा यानी पी बराबर हो जाएगा ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा यानी रूट अंडर हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमें आधार निकालना होगा तो ये हो जाएगा यानी आधार बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपने अभी देखा कि मैं ये तीन और तीन छः फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूले से छः फॉर्मूला यानी ये बना दिए। आपने देखा कितने बेहतरीन ढंग से, आपको भी बहुत याद हो गया होगा क्योंकि आप जब भी इसको समझ के याद कीजिएगा या लिखिएगा तब आपको यानी बहुत काफ़ी दिन तक आपको याद रहेगा। तो हमको आशा होगा कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।